जेपी नड्डा गाजियाबाद पहुंचे, मेरी माटी मेरा देश अभियान की करी शुरुआत। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गाजियाबाद साहिबाबाद क्षेत्र के राजेंद्र नगर में शहीद मेजर मोहित शर्मा के आवास पर पहुंचकर उनके परिजनों से कलश लेकर उनके घर के आंगन की मिट्टी ली। इसके बाद वाटिका में पहुंचकर वृक्षारोपण किया। मेरी माटी मेरा देश अभियान 2 सितंबर से 15 सितंबर तक चलेगा। इसकी शुरुआत गाजियाबाद जिले से हो रही है। देश भर से कलश में मिट्टी एकत्रित करके दिल्ली पहुंचेगी। इस अभियान के अंतर्गत शहीद के गांव से मिट्टी एकत्र कर सभी ब्लॉक पर लाई जाएगी। सभी ब्लॉक से मिट्टी एकत्र कर दिल्ली में बनने वाले शहीद स्मारक में इस्तेमाल होगी। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास ही अमृत वाटिका बनाई जाएगी। ये वाटिका श्रेष्ठ भारत का भव्य प्रतीक बनेगी। इस अभियान में उनके साथ केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल, भाजपा विधायक सुनील शर्मा मौजूद रहे। जेपी नड्डा इसके बाद कृष्ण इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचे, मंच से कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, कहा, मेरी माटी मेरा देश अभियान हमारे देश की उन्नति को आगे ले जाने का अवसर है। एक संकल्प है, अमृतकाल चल रहा है, देश के इन शहीदों ने बहुत योगदान दिया है। मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, आज विपक्ष को देश की चिंता नहीं, परिवारवाद का लगाया आरोप, आज भाई भतीजावाद, चारा घोटाला, नेशनल हेराल्ड घोटाला, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, लालू राबड़ी, तेजस्वी यादव सब पर घोटाले के आरोप लगाए। शहीद मेजर मोहित शर्मा के पिता ने कहा, आज जेपी नड्डा हमारे आवास पर आए तथा हमारे आंगन की मिट्टी ली। देश के लिए मोहित शर्मा कुपवाड़ा में शहीद हुए थे। वॉर मेमोरियल, वहाँ नेशनल वॉर मेमोरियल के समीप एक बहुत बड़ा अमृत वाटिका बनेगी और उस अमृत वाटिका में देश भर से लाए हुए पौधे, 7500 ब्लॉक से लाए हुए पौधे, 500 म्युनिसिपैलिटी से लाए हुए पौधे, वो अमृत वाटिका में लगाए जाएंगे और अमृत काल का संकल्प लिया। आप इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आए हैं, ये बताता है आपका देशभक्ति का जज्बा, ये बताता है आपका देशभक्ति का प्रेम और ये बताता है आपका राष्ट्रभक्ति के लिए समर्पण, जिस हर्षोल्लास के साथ आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत में हमने एक रिकॉर्डेड गीत सुना, देशभक्ति का गीत, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथ। आज एक भारत सरकार के कार्यक्रम मेरा माटी मेरा देश, इस कार्यक्रम के तहत मुझे आप सब लोगों के साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सब लोग इतने जोश में, इंफ्रास्ट्रक्चर में एक परिवर्तन आया है। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जब मुझे कभी गाजियाबाद मोहन नगर आना पड़ता था तो ऐसा लगता था जैसे पता नहीं मैं दिल्ली से कौन सी दूसरी दुनिया में जा रहा हूं। आज कोई बोलता है फलाना फ्लाईओवर पकड़ लो, कोई बोलता है फलाना एलिवेटेड रोड पकड़ लो, जिस रोड पर चलो तो ब्रेक मारने की जरूरत ही नहीं है जब तक गाजियाबाद में आ जाए, मोहन नगर में आ जाए। ये परिवर्तन, आज आपके बगल में देवर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया का नंबर 1 एयरपोर्ट बन रहा है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना। ये परिवर्तन एयरवेज, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, हर तरीके की कनेक्टिविटी ये हमको देखने को मिल रही है। ये विकसित भारत के लक्षण हमको दिख रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल के अंदर इसको हमने हासिल किया। इसको आगे बढ़ाना है। मोदी जी ने संकल्प लिया है कि 2024 के बाद भारत 5वें नंबर पर नहीं रहेगा, तीसरी अर्थव्यवस्था बन करके आएगा।